कैमूर जिले के भभुआ में कोरोना काल में शुरू हुआ इंटरमीडिएट का परीक्षा। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। जिले में बने हैं 23 परीक्षा केंद्र, भभुआ में 16 तो मोहनिया में 7 है केंद्र, जिसमें 21,362 छात्र हुए शामिल। जिला प्रशासन का दावा, कदाचार मुक्त होगा परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ परीक्षा। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की हुई तैनाती। भभुआ में 2 केंद्र को बनाया गया है आदर्श परीक्षा केंद्र, जिसमें पहला भभुआ महिला शहीद कॉलेज तो दूसरा अटल बिहारी हाई स्कूल है। छात्रों की परीक्षा केंद्र पर गहन से हो रही है जांच। वहीं कोरोना काल में पहली बार इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर बच्चों में काफी खुशी है, पर कोरोना काल के कारण कॉलेज बंद की भी टिस है। खुशी है? हाँ, बहुत पूरा खुश है। तैयारी कंप्लीट है? हाँ, तैयारी तो कंप्लीट है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे बैठे अच्छे से पढ़े भी, और यहाँ देखा जाता है कि पूरी तरह तैयारी हुई है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह खुश हैं और एग्जाम देने से। और यहाँ कोरोना काल में देखा जाए यहाँ पूरी व्यवस्था है, सैनिटाइजर वगैरह का, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। और जूता पहन के नहीं जाना है, तो जूता पहन के जाना है। देखा जाए तो ठंडी भी बहुत है, इसलिए लोगों को जूता पहनने के लिए अलाउ किया गया है। और यहाँ पे पूरी चेकिंग भी है, ताकि बच्चे कुछ यहाँ और होने कुछ गलत काम ना करे, इसलिए लोग जूता खुलवा कर भी चेकिंग किया जा रहा है, तो इसलिए अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुहावनी पांडे। थैंक यू। परीक्षा केंद्र बनाया गया है, कौन सा परीक्षा केंद्र है और कितने परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा दे? ये शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय भभुआ कैमूर, और ये 76 फिजिक्स है। हाँ, फर्स्ट पाली में फिजिक्स है, 251 परीक्षार्थी हैं, और सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस है, इसमें 285 स्टूडेंट हैं। इसमें आदर्श परीक्षा के लिए वर्षा का हर जितना सरकार का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हाँ, कोरोना के सब गाइडलाइन में सभी बच्चों को मास्क लगा करके आने की बात है, और सारे लोगों को मैंने सभी कमरा जो है सैनिटाइज कर दिया गया है, सब बच्चों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, और सब कमरों में और ऑफिस कार्यालय में सब छिड़काव कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को, सभी जो महिला शिक्षिकाएँ हैं और सभी जो कर्मी हैं या कंट्रोल में जो लोग हैं, सबको आवश्यक सभी निर्देश दे दिए गए हैं कि कोरोना महामारी के बचाव के चलते और इसके हर निर्देशों का समुचित ढंग से न्यायोचित ढंग से पालन करते हुए परीक्षा का संचालन कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि ताकि कैमूर का बराबर नाम रहे और आज भी नाम रहे, और इसमें हमको प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग मिले, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का भी सहयोग रहे, और मैं परीक्षा शांति पहला बार जो है जूता पहन कर बच्चों को अलाउ है परीक्षा में। हाँ, ऐसा है कि ठंडक का दिन है, अगर ऐसा हुआ है तो बच्चों के लिए अच्छा हुआ है, और वहाँ ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे जो जूता मोजा पहन करके आए हैं तो उसमें किसी भी तरह का निरर्थक चीज बच्चों के पास न रहे, लेकिन पहन कर आए हैं तो पहनना उचित है, क्योंकि हर कमरों में टाइल्स लगा हुआ है और बच्चों का ठंडक का दिन है, इसलिए पहले बच्चे बचे रहेंगे तभी परीक्षा देंगे। सीसीटीवी कैमरा भी लगा है? जी हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, और सभी बच्चे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में आ रहे हैं, जो भी शिक्षक हैं कर्मी हैं सब लोग सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं, किसी तरह का कोई भी अनैतिक या गलत काम सेंटर पर नहीं हो पाएगा, और हम मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा। हाँ हाँ, कदाचार मुक्त मैं बराबर लेती हूँ और आज भी ले रहूँगी, और मैं आदर्श केंद्र का प्रतिष्ठा को बनाए रखूँ। शुरू हो गया आज से, पुलिस की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था की कदाचार मुक्त करने की? कदाचार मुक्त परीक्षा को जारी रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी केंद्रों पे कांस्टेबल्स एंड ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो बाहर के माहौल को कदाचार मुक्त रखने के लिए पूरी तरह से अपने प्रयासरत हैं। फिस्टिंग की जा रही है और बाहर में किसी तरह का भीड़ भाड़ को निषिद्ध किया जा रहा है। भगवान मंडल में किस प्रकार की व्यवस्था? नहीं, आज से जो इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्टार्ट हुई है, तो अभी हम लोग शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय है, एक हमारा आदर्श केंद्र भी है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए हम लोग को सारी व्यवस्थाएँ की गई। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी का स्थापन तो किया ही गया है, साथ में स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, और पहले से डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी बच्चे अंदर जा रहे हैं वो पूरा फेसकिंग के साथ अंदर जाएंगे, और किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल वगैरह लिया पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। सर, जूता मोजा पहन कर जाने के लिए छूट मिली?
अभी जो निर्देश आया उसके हिसाब से अभी ठंड को देखते हुए वहाँ से अलाउ किया गया है कि जूता मोजा पहन के परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन उसमें भी किसी पर अगर शंका की जाएगी तो उसका हम लोग बकायदे अच्छे से टेस्टिंग करने के पश्चात ही उसको हॉल में अनुमति दी जाएगी प्रवेश की। थैंक यू।